नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में शनिवार को 16वीं विधानसभा के लिए मतदान प्रक्रिया छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान ब्यावर विधानसभा में भी 276 बूथों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई, जहां पर 257,723 मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई। मतदाताओं ने कुल 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद किया। शनिवार को प्रातः 7 से शाम 6 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में कुल 178,664 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। शाम 6 बजे तक कुल 69.32% मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान प्रतिशत में डाक मतपत्र तथा होम वोटिंग के मत जोड़ना शेष है। मतदान प्रक्रिया के तहत 88,601 पुरुष व 90,062 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान के दौरान अपना भाग्य आजमा रहे भाजपा, कांग्रेस तथा निर्दलीय उम्मीदवार तथा उनके समर्थन दिन भर दौड़ धूप करते रहे तथा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाकर मतदान करवाया। उधर निर्वाचन विभाग तथा सुरक्षा कर्मियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए इस बात पर नजरें गड़ाए रखी कि कहीं पर उम्मीदवारों की ओर से मतदाताओं को प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है। शनिवार को मतदान प्रक्रिया के दौरान विधानसभा क्षेत्र के 19 संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। साथ ही इन बूथों की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। मतदान प्रक्रिया के दौरान बूथ संख्या 36, 50 व 141 पर तकनीकी खामी के चलते वीवीपैट मशीन बदली गई। इसी प्रकार शायकनुंद्री मेंद्रातान स्कूल मतदान बूथ संख्या 17 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसके कारण करीब 1 घंटे तक मतदान प्रक्रिया बाधित रही। आखिर में ईवीएम विथ पीवीपैट मशीन बदलकर मतदान प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाया गया। इसी प्रकार मॉकपोल के दौरान बूथ नंबर 75 पर कंट्रोल पैनल बदला गया। शहर में प्रातः 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया के तहत प्रातः 9 बजे तक 9.62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसके तहत 13,877 पुरुष तथा 1,916 महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मतदान शुरू होने से पहले मतदान बूथों पर ईवीएम मशीनों का मॉकपोल किया गया। मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी बूथों के बाहर 200 मीटर की परिधि में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के एजेंट मतदाता पर्चियां काटने में व्यस्त दिखाई दिए। उधर दिन बढ़ने के साथ ही बूथों पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई और 11 बजे तक 23.79% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। दूसरे फेज में 14.17% की वृद्धि हुई। इस दौरान कुल 61,338 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 32,230 पुरुष तथा 29,108 महिला मतदाता शामिल रही। मतदान के दौरान निर्वाचन विभाग के उड़न दस्ते ने भी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र के कई बूथों का निरीक्षण किया तथा व्यवस्था तथा मतदान गतिविधियों का निरीक्षण किया। उधर धीमी गति से शुरू हुए मतदान ने दोपहर 1 बजे बाद रफ्तार पकड़ी। दोपहर 1 बजे तक मतदान का प्रतिशत बढ़कर 38.78% तक जा पहुंचा। दोपहर 1 बजे तक कुल 50,017 पुरुष तथा 49,951 महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। दोपहर 1 बजे तक 257,723 मतदाताओं में से कुल 99,968 मतदाताओं ने वोट डाले। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक बढ़े मतदान प्रतिशत के तहत 14.95% की वृद्धि हुई। मतदान प्रक्रिया के तहत निर्वाचन विभाग की मेहनत रंग लाई और मतदान प्रतिशत बढ़ने लगा। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया के 8 घंटे बाद दोपहर 3 बजे तक 52.59% मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक कुल 135,546 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें 66,754 पुरुष तथा 68,792 महिला मतदाता शामिल रही। शाम 6 बजे तक चली मतदान प्रक्रिया में ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में कुल 69.32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने पर शासन तथा प्रशासन ने राहत महसूस की। शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब 11 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 3 दिसंबर को मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। उधर शनिवार को हुए मतदान के दौरान निर्वाचन अधिकारी मृदुल सिंह, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह, तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, डिप्टी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा भारी पुलिस बल दिन भर मतदान प्रक्रिया पर अपनी पैनी नजरें लगाए रखी।
14वीं विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को हुए मतदान में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1.92% मतदान ज्यादा हुआ है। 15वीं विधानसभा चुनावों के दौरान 2018 में 52 विधानसभा चुनावों में कुल 67.40% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार यह प्रतिशत बढ़कर 69.32% हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है।